संस्था द्वारा आयोजित आज के इस मिलन समारोह में मंचासीन संस्था के अध्यक्ष पूर्व में रहे आदरणीय यशवंत सिंह दुष्ट जी, पूर्व अध्यक्ष पार्षद श्री देवेंद्र सिंह रावत जी, श्री देवी दत्त भट्ट जी, सीमा डंगवाल जी, मीरा मटपाल जी, गीता सिंह नेगी जी, रघुवीर सिंह रावत जी, मीर रंजन नेगी जी, हमारी पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा जी एवं हमारे पार्षद जी पराग जी एवं सभी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी गण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, अभी हमारी माता जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर मेरा स्वागत किया, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और बड़ी संख्या में आवाज आ रही का मन, बड़ी संख्या में पधारे हमारे उत्तराखंड समाज के सभी हमारी माताएं, सभी मेरी बहनें, सभी हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबके बीच में उत्तराखंड से मैं आया हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मुख्य सेवक के रूप में अपनी ओर से, आज त्यौहार का दिन भी है, भैया दूज का दिन है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, इस तरफ से बैठी है, मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं बधाई भी देता हूँ। माया दीदी आपको भी बधाई देता हूँ, आपकी सभी सभी साथियों को, सबको, आपके साथ आए हुए लोगों को, और आप सब लोगों ने जो मेरा यहाँ पहुँचने पर मेरा सम्मान किया है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने गर्मजोशी से, इतने जोश से, देवेंद्र भाई आप लोगों ने, पराग जी, शशि दीदी हमारी सब ने, यशवंत जी ने, देवेंद्र जी ने, और इतने बड़े संस्था के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि फूल मालाओं से, पटके से मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ, पिछले दिनों मैं लंदन गया था, मैं दुबई गया था, अहमदाबाद गया था, मुंबई गया था, अनेकों शहरों में, आजकल मैं इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए देश में और विदेश में अनेक स्थानों पर गया, तो वहाँ पर एक बात जो सबसे अच्छी लगी कि हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपनी पूरी संस्कृति से जुड़े हुए। और मैं बताऊं कि लंदन में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लंदन में आया हूं, मुझे लग रहा था कि लंदन में भी मैं उत्तराखंड में ही हूं, इस प्रकार से उन लोगों ने स्वागत किया। दुबई में, मुंबई में तो कहना ही क्या, और इंदौर में आया हूं तो ऐसा भी, यहां भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंदौर आया हूं, मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में ही हूं। तो मैं अभिभूत हूं, और पहले भी एक बार मैं संस्था के कार्यक्रम में बहुत साल पहले यहाँ आया था, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार होता है, और जितने भी उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की ओर से अनेकों जो काम किए जाते हैं, सामाजिक काम किए जाते हैं, जैसे अभी हमारे प्रतिभावान, हमारे समाज के जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है, उनका प्रोत्साहन किया जाता है, और बड़ा जुड़ाव संस्था जो है लगातार अपनी नई पीढ़ी के साथ भी करती है, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, उनको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। बालिकाओं के लिए विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो, या वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी का सम्मानित करना हो आपके द्वारा किए जाए कार्यों के लिए, मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
भाइयों बहनों, जब भी मैं देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में जाता हूं, वहां लोगों से मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एहसास होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आप जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान सम्मान स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से बढ़ रही है, तो लगता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तब लगता है कि श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं, आप इंदौर शहर के अंदर उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है, आप देवभूमि का अभिमान है आप लोग, और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। जैसे मैं अभी दुबई गया था पिछले दिनों, तो दुबई में जब मैं वहाँ के निवेशकों से मिल रहा था, जो इन्वेस्टर हैं उनसे मिल रहा था, तो उनसे और बड़े बड़े उद्योग समूह में काम करने वाले लोगों से मिल रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए आप, एक सारा का सारा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, एक से एक बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग जो है कहीं पार्क बने हुए हैं, कहीं बुर्ज खलीफा आप लोग जानते हैं, वो सुना ही होगा नाम, आप लोगों ने देखा, बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन उससे बाहर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, अंदर तो एसी था, एसी में 20 डिग्री 22 डिग्री 24 डिग्री तापमान हो रहा होगा, जैसे ही बाहर निकलते थे तो वैसे ही 35 डिग्री 40 डिग्री तापमान होता था। तो मैं दीदी उनसे कहता था कि देखिए ये सब जो है मानव के द्वारा मैन मेड है, आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे काम करने तो आपको अगर अंदर तापमान 20 25 30 जो भी हो रहा होगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो अभी 15 हो रहा होगा, क्योंकि वो सब गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इस प्रकार का उत्तराखंड हमारा है, उसको सबको बताने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी